आज हम लोग महिंद्रा स्कॉर्पियो 2014 मॉडल में ट्रैकेंटल इंटेलीप्ले लाइट यूनिट इंस्टॉल किया है, जिसका हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब हम आपको इसके फीचर्स जो हैं गाड़ी के अंदर से आपको दिखाते हैं सिस्टम पे। तो अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी गाड़ी में जो ये डिवाइस इंस्टॉल्ड है, इसका नाम है ट्रैकेंटल इंटेलीप्ले लाइट। ये डिवाइस आपका दो स्क्रीन वेरियंट में अवेलेबल है, 9 इंच में और 10 इंच में। सर, ये डिवाइस 2 GB रैम और 30 GB रोम के साथ मिलता है आपको। इसके अंदर एक कंपनी प्रोवाइडेड 4G सिम जो आपको प्री इंस्टॉल करके दी जाती है, एक्टिवेट करके। इसके साथ ही ये सर, ये एंड्रॉयड वर्जन 10 है इसका, और इसके अंदर एक 64-bit CPU विद ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सिम कार्ड जो है इसकी मेन USP है सर, क्योंकि सिम कार्ड जो फंक्शनैलिटी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे आपको कॉलिंग, डेटा और SMS सर्विस तो मिलती है, साथ में आप अपनी गाड़ी को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं कि अभी करंट में आपका व्हीकल कहाँ पे है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, इसमें आपको एंड्रॉयड डिवाइस, क्योंकि ये एंड्रॉयड पे रन करता है हमारा डिवाइस, तो इसके अंदर एंड्रॉयड यूनिट के फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे यूट्यूब ऐप है, गूगल मैप्स है, नेविगेशन आप कर सकते हैं, म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, इसके अंदर FM सर्विसेज, FM रेडियो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा डिवाइस जो है स्मार्ट असिस्टेंट से भी इक्विप्ड है, जैसे Amazon Alexa और आपका गूगल असिस्टेंट। और इसके साथ ही इसमें एंड्रॉयड ऑटो और कार प्ले फीचर भी अवेलेबल है। जब जैसे अगर आप चाहें, जैसे आपके पास आईफोन मोबाइल है, तो आईफोन मोबाइल को आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे डिवाइस से, और उससे फिर आप कार प्ले फीचर का यूज़ कर पाएंगे, जिसमें आपको एक बार एंड्रॉयड जो है एप्पल कार प्ले आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले आपको हमारे डिवाइस के अंदर Zlink ऐप के अंदर जाना है और उसको आपको ओपन रखना है। उसके बाद आपको अपने आईफोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाके और डिवाइस को कनेक्ट करना है। बेसिकली हमको अपने आईफोन को अपने डिवाइस से कनेक्ट करना होता है वाया ब्लूटूथ। जी, और उसमें आपको कार प्ले की परमिशन भी इनेबल करनी होती है। सो ये एक वायरलेस सर्विस है। जी, वायरलेस सर्विस है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, जैसे आप ऐप्स में गए और यहाँ पे अपने ब्लूटूथ में गए, ब्लूटूथ के अंदर आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे आपका ब्लूटूथ डिवाइस का नेम और उसका पिन आपको शो होगा, उससे आपको पेयर करना है अपने आईफोन से अपने डिवाइस को। एक बार आप पेयर करेंगे तो पेयर करने के बाद आईफोन के अंदर परमिशन पूछेगा कि, और उसके बाद जैसे आप उसको पेयर करेंगे, आपसे परमिशन पूछेगा कि आप कारप्ले यूज़ करना चाहते हैं। आप उसको यूज़ कारप्ले पे टैप करेंगे तो आपका डिवाइस जो है वो हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा। अभी जैसे ये मेरा आईफोन से मैंने कारप्ले से अपने डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, तो मैं बिना अपने फ़ोन को टच किए, बिना छुए, यहाँ से उसके जो फीचर्स हैं यूज़ करते हुए, ड्राइव करते हुए यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ आई वांट, अगर मैं किसी को कॉल करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ, और अगर मैं किसी को मैसेज करना चाहूँ तो मैसेज कर सकता हूँ, म्यूज़िक में सुन सकता हूँ, नेविगेशन में चेक कर सकता हूँ। तो सभी फीचर यहीं से मैं कारप्ले पे यूज़ कर सकता हूँ, और सेम थिंग गोज फॉर एंड्रॉयड ऑटो। एंड्रॉयड ऑटो भी आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल को डिवाइस से USB से कनेक्ट करना होगा, और उसमें प्लग एंड प्ले है। जैसे आप प्लग करेंगे और Zlink ऐप जो है आप ओपन करेंगे तो आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। एम्पलीफायर आप इस पर यूज़ कर सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, एम्पलीफायर सपोर्ट करता है हमारा इंटेलीप्ले डिवाइस। साथ में इस डिवाइस के अंदर सर आपको स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं इससे, अपने पेयर कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी फीचर्स जो होंगे उसके लिए आपको डिवाइस को टच करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको म्यूज़िक प्ले हो रहा है तो आपको ट्रैक चेंज करनी है, आवाज़ आपको कम या ज़्यादा करनी है, या फिर आपको किसी की कॉल आंसर करनी है, रिजेक्ट करनी है, तो उसके लिए आपको स्क्रीन टच करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी स्टेयरिंग व्हील के ऊपर जो कंट्रोल्स माउंटेड है, आप उन्हीं से डिवाइस को पेयर करके और यूज़ कर सकते हैं सर। सर, मैं आपको यूट्यूब इसमें प्ले करके दिखाता हूँ सिस्टम पे। देखिए, ये हमारा यूट्यूब ऐप है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे ही और भी जो
मीडिया स्ट्रीमिंग ऐप्स है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं सर, जिससे ये हमने यूट्यूब ऐप है ये ओपन कर दिया, ये चल गया सर। देखिए राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से सोमवार को 10वीं का परिणाम चला। आप ऐसे सर इसमें यूट्यूब ऐप यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऑडियो म्यूजिक या पॉडकास्ट स्ट्रीम करना, तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप कोई भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, जैसे अमेजोन म्यूजिक या फिर स्पॉटिफाई या फिर विंक म्यूजिक। सर मैं आपको बताना चाहूँ हमारा डिवाइस जो है सेफ्टी कंसर्न्स भी इसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए हम आपको इसमें डैश कैम और रिवर्स कैमरा सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। डैश कैम में जो गाड़ी के फ्रंट में जो कैमरा इंस्टॉल होता है वो इसमें लगता है, वो इसकी वीडियो इसमें शो होगी, और रिवर्स कैमरा जो है वो भी इसमें सपोर्ट होगा, ताकि अब जब आप रिवर्स गियर इंगेज करेंगे वो डिस्प्ले पे आपकी शो करने लगता है सर। उसमें आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन और 360 तीनों तरह के कैमरे सर सपोर्टेड हैं इसके अंदर। मतलब आपका ये डिवाइस 360 डिग्री कैमरा भी सपोर्ट करता है? जी सर। ओके सर, इसके अंदर आप अपने मोबाइल को यूएसबी से कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं या फिर फाइल ट्रांसफर या डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और ये यूएसबी भी सपोर्ट करता है। आप इसमें जैसे अगर आपके पास यूएसबी में कोई मीडिया कंटेंट है तो आप उसको प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभिषेक जी, मैं आपको हमारे डिवाइस के फीचर के बारे में बताना चाहूँगा, उसका नाम है स्प्लिट स्क्रीन फीचर। इस फीचर में सर आप एक साथ दो ऐप को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे आपने गूगल मैप्स ओपन किया हुआ है और आप नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसके साथ ही आप यूट्यूब ऐप ओपन करके और म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, जिसमें आपको दिखाता हूँ सर। अभी आपको यहाँ पे होम स्क्रीन ऑप्शन, रेसेंट ऐप्स ऑप्शन, आपको यहाँ पे रेसेंट ऐप ऑप्शन पे टैप करना, उसके बाद आपको ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आपको मैप है, मैप यूज़ करना, तो मैप को आप ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, तो आपका एक साइड में मैप ओपन हो जाएगा, और दूसरी साइड में आपने यूट्यूब पे ऐप पे ओपन करा तो यूट्यूब आपका चालू हो जाएगा।